zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद सादी और आप देख रहे हैं सैयद सादी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की स्टूडेंट के अंदर जैसे कि आपको मैं कुछ इस तरीके का जो है एक आउट्रो क्रिएट करके सिखाने वाला हूं। तो गाइस अगर आप भी अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए कुछ इस तरीके का आउट्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो जो है आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। तो उम्मीद है गाइस आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसको जो है हम बिल्कुल काइंड मास्टर एप्लीकेशन से क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके अलावा जो है हमें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले अपने जो है काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके YouTube वाला आपको रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस अगर आपको मेरे YouTube वीडियोस पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद सीधा आपको ऊपर मीडिया पर क्लिक करना है। मीटर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है। तो गाइस आपको जो है जितने सेकंड की बनानी है अपनी आउटरो, तो आप उसको बैकग्राउंड को उतने सेकंड तक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको तकरीबन 8 सेकंड तक रख देता हूँ। तो मैंने जो है अभी इसको 8 सेकंड तक रख लिया है। उसके बाद दोबारा बैक पीछे आएंगे तो उसके बाद जो है लेयर पे क्लिक करके आपको सबसे नीचे हैंडराइटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको कोई यहाँ से कोई भी एक कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये ऑरेंज कलर जो है यही सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जो है आपने इसको बैक कर देना है। उसके बाद आप दोबारा इसको सेलेक्ट करके आपने इसका साइज़ कुछ बड़ा करना है और आपने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट भी कर देना है। उसके बाद आपने इसको कुछ यहाँ पर लगा लेना है। तो आपने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद आपने इसको वीडियो के एंड तक ले जाना है। उसके बाद सीधा आप यहाँ से इसका डुप्लीकेट निकालेंगे। डुप्लीकेट निकालने के बाद इसको आप यहाँ से बिल्कुल नीचे ले आएंगे। तो इसको मैं कुछ यहाँ पर रख देता हूँ। तो उसके बाद मैं सीधा बैक करूँगा, ऊपर वाली लेयर पे दोबारा क्लिक करके इसको मैं यहाँ से एक एनिमेशन दे दूँगा। तो मैं इसको यहाँ से स्लाइड डाउन का दे देता हूँ। तो इसको मैं तकरीबन यहाँ से 1.5 सेकंड तक रख लेता हूँ। तो उसके बाद जो है इस वाले एनिमेशन पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ से स्लाइड अप दे दूँगा और इसको भी मैं यहाँ से 1.5 सेकंड इसका टाइम जो है रख लूँगा। उसके बाद जो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है बिल्कुल हम जो है यहाँ से लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिख लेना है थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कोई अच्छा सा फॉन्ट लगा लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ये वाला फॉन्ट लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कुछ इतना यहाँ पर छोटा करता हूँ और मैं इसको कुछ यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर इसको लगाने के बाद इसको मैं कुछ यहाँ ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं जो है कुछ यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। मैं इसको कुछ इतना रोटेट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर लगा लूँगा। तो सेम वही प्रोसेस मैं इसके साथ भी करूँगा। इसको यहाँ से कुछ रोटेट कर लूँगा इस तरीके से और इसको मैं कुछ यहाँ पर सही तरीके से लगा लूँगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेम जो है इस जो अभी हमने टेक्स्ट लिखा है इसको सीधा आपने एक एनिमेशन दे देना है। तो मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से स्लाइड डाउन वाला दे दूँगा। तो इसको मैं तकरीबन 1.5 रखूँगा और उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके उसको मैं यहाँ से सेंड टू बैक पर क्लिक कर दूँगा। तो गाइस उसके बाद जो है सीधा आपको क्या करना है, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये लेवल अप वाला डाउनलोड कर लेना है गेट मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो उसको आपने यहाँ से लगा लेना है। उसके बाद सीधा आपको नीचे आना है, आपने यहाँ से ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ कुछ छोटा करना है। तो मैं इसका साइज़ कुछ छोटा कर देता हूँ, मैं इसको तकरीबन यहाँ पर रख देता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसका डुप्लीकेट निकालने वाला हूँ। डुप्लीकेट निकालने के बाद मैं इसको सीधा यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर रखने के बाद सीधा हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पर आना है और इन दोनों को हमें जो है एक एनिमेशन दे देना है। मैं इसको सही तरीके से जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस उसके बाद जो है सीधा हमने इनको दोनों को यहाँ से एक एनिमेशन दे देना है। तो मैं इसको यहाँ से स्लाइड डाउन वाला दे देता हूँ, इसको मैं 1.5 सेकंड रख लूँगा और इसको मैं यहाँ से स्लाइड अप वाला दे देता हूँ, उसको भी मैं 1.5 रख लूँगा
और उसके बाद जो इन दोनों को हमने यहाँ से सेंड टू बैक कर लेना है। सेंड टू बैक पर क्लिक करने के बाद जो है सीधा हमें यहाँ से एक जो है उसको मैं कुछ ऊपर ले आता हूँ इधर, और इसको मैं कुछ यहाँ ऊपर ले आता हूँ। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमें क्या करना है, सीधा लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एक के नीचे मैं लिख लेता हूँ प्रीवियस वीडियो, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो लिख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कोई अच्छा सा एक एनिमेशन दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ से ये वाला जो है फॉन्ट दे देता हूँ, तो इसको मैं कुछ यहाँ पर रख लूँगा। यहाँ पर रखने के बाद सेम इसी का भी डुप्लीकेट निकालेंगे। डुप्लीकेट निकालने के बाद इसको हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सीधा हम इसको काट कर के लिख देंगे वॉच दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वॉच दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो लिखने के बाद इसको मैं कुछ यहाँ से छोटा करके इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा और इनको मैं बिल्कुल सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से एनिमेशन देंगे। आपने इसको यहाँ से फेद वाला दे देना है और इसको भी आपने यहाँ से फेद वाला दे देना है। तो उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कुछ इस चीज़ का आपको देखने के मिलेगा लुक। और उसके बाद जो है लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओवरले पर क्लिक करके दोबारा आपको लेवल अप वाले पे आना है, तो यहाँ से आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है मैं इसका साइज़ कुछ यहाँ से छोटा करूँगा और इसको मैं कुछ यहाँ पर रख लूँगा और इसको भी मैं बिल्कुल यहाँ से स्लाइड डाउन वाला एनिमेशन दे दूँगा। तो मैं इसको स्लाइड डाउन वाला ऑप्शन दे देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको एक बार चला कर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का जो है हमारा आउट्रो देखने को मिलेगा आपको। तो उस पर जो है म्यूज़िक लगाने की बारी आती है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। आप कोई भी म्यूज़िक लगा ले, अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको एक मिसाल के तौर पर चला कर दिखा देता हूँ। आपने अपनी वीडियो जो है इस तरह लगा लेनी है, तो आप देख सकते हैं, आप इसको वीडियो ही समझें। तो बीच में आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए ये वाला ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपने इसको सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मेरे तक इस वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।